بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا فتحا مبينا صلى الله عزان ایمان ارشاد اقدس الہی کہ اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی واضح فتح عنایت فرمائی. اسی آیت کے ذیل میں جو مضمون آپ حضرات کی خدمت میں دیا گیا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان رسول اکرم نے، مولا کائنات نے اور امام حسن مصطفیٰ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ اجمعین نے خدمات دین کس طرح سے فرمائے. دین اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کا نام ہے، اور گزشتہ مجلس میں میں نے آپ حضرات کے درمیان میں صلح کے متعلق جو فرمودات و ارشادات پروردگار عالم بہت ہی واضح اور روشن انداز سے مختلف مقامات پر قرآن میں موجود ہے، ان میں سے صرف دو آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اور مابقی تقریباً پانچ یا چھ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھٹے امام امام جعفر صادق صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشادات کے ذریعے سے حتی الامکان حسب بساط کوشش کی کہ مضمون کو سمیٹوں تاکہ بعد والی گفتگو جو ابھی آنے والی ہے، جس میں آج کی گفتگو بھی شامل ہے، ہمارے اذہان ہموار ہوں، نوجوان کے ذہن متوجہ ہوں اور یہ بات سمجھیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے جن حالات سے وہ گزرے ہیں، جو کچھ کے بھی ہو ان پر گزرنا تھا گزر گیا، لوگوں نے ان کے ساتھ
अच्छे सुलूक के साथ साथ बुरा सुलूक भी किया, लेकिन कभी भी इन्होंने दीन की बका के लिए, दीन के दिफा के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन के बचाने के लिए रमक बराबर भी ताखीर नहीं की। ये मनसब इमामत का फरीज़ा था और वो इसीलिए भेजे गए थे ताकि दीन बचे, दीन महफूज रहे और फिर दीन बाकी रहे। इस तरह से इन्होंने अपने कुर्बानियों के ज़रिए से इस दीन की हिफाजत फरमाई, क्योंकि इनसे वाबस्तगी के बाद जो चीज़ हमें अता हुई वो ये कि कोई भी अहले बैत को मानने के बाद, मोहम्मद वाले मोहम्मद से वाबस्तगी के बाद, कुरान से वाबस्तगी के बाद इतना अक्लमंद ज़रूर हो जाता कि अब दुनिया की कोई चीज़ उसे धोखा नहीं दे सकती। खुद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इरशाद मुबारक है और हज़रत ने बड़ा एतमाद किया है, एतबार किया है अपने दोस्तों पर, अपने चाहने वालों पर, उनके मुखलिसीन पर जो इखलास के साथ, रुजू खल के साथ उनका साथ दिया, उनको माना। आज भी वही कैफियत हो सकती है, बनफ्स नफीस वो तो नहीं है इस ज़ाहिर दुनिया में, लेकिन उनके इरशादात वही हैं जो आपके अहले मुबारक में थे, उतने ही यकसा मुफीद है जितने मौलाए कायनात के ज़माने में लोग मौजूद होते, सुनते और अल्लाह तौफीक देता अमल करते तो होते। रसूल अकरम के ज़माने में लोग मौजूद होते और सुनते और अल्लाह तौफीक इनायत फरमाता, उस पर अमल करते, तो जो कैफियत उनकी होती बेअने ही आज भी अगर हम रुजू कल्ब से उनके इरशादात को इख्तियार करें, पढ़ें और फिक्र करें, तो वही फ़ायदा है, वही इंसान के लिए यकसा मुफीद है। मौला फरमाते हैं, मा मिन मुमिन इल्ला वलहु फरासा यंदुरु बिनूरिल्लाहि अला कद्रि ईमानी। कोई मोमिन मोमिन नहीं होता मगर ये कि उसमें होशमंदी होती है, अकल होती है, फिरासत होती है, कोई दुनिया की ताकत उसे धोखा दीन के मामले में नहीं दे सकती। इसलिए कि जब इनसे वाबस्ता हुआ, इनके तालीमात से वाबस्ता हुआ, तो फिर परवरदिगार आलम की जानिब से उसे ये अता होती ताकि वो कहीं पर भी धोखा ना खाए। यंदुरु बिनूरिल्लाहि अला कद्र ईमानी, कि वो अपने आँखों के नूर से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देखता है अपने अपने दर्जे ईमान के एतबार से, अपने अपने दर्जे ईमान के एतबार से, क्योंकि दर्जे ईमान हर एक के लिए यकसा नहीं है। मदारिज ईमान, इंसान की सही जस्तजू, अकल के इस्तेमाल करने, उस पर अमल करने से उसे तरक्की होती है, कभी उस पर अमल नहीं करने से उसका ज़वाल होता है। ये एक नेमत है जो अल्लाह ने हर मोमिन के लिए रखी है, और खसूसियत के साथ जो मवाहिद है, अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, रसूल अकरम की रिसालत का और इमाम मासूमीन की इमामत का, तो उसके लिए बतौर ख़ास अल्लाह इजाफी मेहरबान है। वो काना बिल मोमिनीन रहीमा, यानी हर सारे आलम पर तो वो मेहरबान है, बड़ा रहीम है, लेकिन बतौर ख़ास जो मोमिन है उस पर ज़्यादा मेहरबान है। तो ये ज़्यादा मेहरबानी कैसी है? इसलिए कि अल्लाह ने एक के बाद दीगरे से सिलसिले हिदायत कायम रखा, कि कुरान ज़रिए हिदायत है, तो रसूल अकरम की ज़ात ज़रिए हिदायत है, मौलाए कायनात से लेकर इमाम ज़माना अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़रिए देखिए इनके खिदमात में इनके जो फरामीन थे वो सारे के सारे सिलसिला ज़रिया बना हमारे हुसूल हिदायत का। तो फिर दरमियान में मौलाए कायनात की क़ुरबानी जो अमली तौर पर एक इमाम अलैहिस्सलाम ऐसे जो ज़र्ब के ज़रिए से शहीद हुए, तो दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर, तो वो जुल्म ढाया गया कि अव्वलिन व आखिरिन में आज तक ऐसा जुल्म नहीं मिलता। तो चूँकि फितरत इंसानी है
कि किसी पर जुल्म होता है तो वो मज़लूम के साथ हो जाता, तो अल्लाह भी मज़लूम के साथ है, औलिया भी मज़लूम के साथ है, अम्बिया भी मज़लूम के साथ है, औसिया भी मज़लूम के साथ है। तो ये फितरत है, फितरत का तकाजा है कि इस गम में हम गौर व फिक्र करते हैं। ये मजलिस का इनेखात वही सिलसिला है, ये मजलिस इमाम हुसैन सबब है नुज़ूल रहमत है, मजलिस इमाम हुसैन सबब है हुसूल मग़फ़िरत है, सबब मजलिस इमाम हुसैन सबब इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, गुनाहों को माफ़ करवाने का जरिया है। इसलिए कि जब रुजू कल्ब से इसमें बैठते हैं तो ज़ाकिर का जिक्र क्या होता है, या अल्लाह के फरामीन, या रसूलल्लाह के इरशादात, या अहम मासूमीन के फरामीन। तो जो अहम मासूमीन के फरामीन है वही रसूल अकरम के फरामीन है, जो रसूल अकरम के फरामीन है वही कुरान के फरामीन है, जो कुरान के फरामीन है वही अल्लाह का हुक्म है, अहकामात है। लिहाजा ये मजलिस में बैठना सवाब, सुनना सवाब, इसमें गौर व फिक्र करना सवाब इसीलिए है जैसे कुरान में गौर व फिक्र करना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब। ये सब चीज़ें क्यों सियास, ये जरिया बनते हैं हिदायत का। लिहाजा हम पर मुनसिर है कि हम कौन सी बात को इख्तियार करें, मज़मून कैसे बनाएं, टॉपिक कैसे दें, गुफ्तगू कैसे की जाए जो हमारे लिए सिलसिला जरिए हिदायत बन सकता है। तो यही है, अब इस पर मुनसिर है क्योंकि ख़ुद टॉपिक मजलिस की हो या फिर अहम मासूमीन के याद में कोई भी इंसान एक जलसा मुनक़िद करे, उसका मज़मून ख़ुद आपके और हमारे इमाम जाफर सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि मन जलस मजालिस युहा अमरुना लम यमुत क़ल्बहु यौम तमुतुल क़ुलूब, कि कोई भी मोमिन जब मजलिस करता है और उसमें बैठता है, मन जलस मजालिस, इमाम फरमाते मेरे जद्द मज़लूम हुसैन शहीद करबला की मजलिस मुनक़िद करता है और उसमें बैठता है तो लम यमुत क़ल्बहु, उसका दिल नहीं मरता जबकि सारे लोगों के दिल मर चुके होते हैं, उसका दिल नहीं मरता, उसके दिल में समझने गौर करने फिक्र करने की सलाहियत मौजूद होती है, मौजूद होती है। ये तुफ़ैल है ये मजलिस का। इसलिए मरने के बाद आप देखिए ज़ाहिरन ज़ाहिरन कोई भी कह सकता ये कितने बेवकूफ़ है कि मरने के बाद सबक याद दिलाया जा रहा है, बतलाइयत सारे मुसलमानों के भी फ़िरके में कौन ऐसे हैं जो अपने मैयत को अपने ईमान अपने अकीदे को याद दिलाते हैं, इस्मा इफ़हम। इसलिए कि यकीन है वो मरने वाला आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, तो शहीद मरा, इमाम हुसैन की मजलिस में शिरकत करके मरा, तो अब उसका कल्ब रोशन है, बासलाहियत है, सुन सकता है बेअैन ही, जिस तरह से परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वमई जो भी मोमिन जो भी इंसान मर जाए अल्लाह की राह में उसे मैयत मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, अकल नहीं रखते, मालूमात नहीं रखते, तुम्हारा इल्म है ही नहीं उस सतह तक पहुंच जाए कि वो कैसे जिंदा है। तो लफ्ज़ ज़िंदगी का अल्लाह ने इस्तेमाल किया, लफ्ज़ मौत का सारी दुनिया ने उसके हालात देखकर इसका इस्तेमाल किया, लेकिन वो अल्लाह कायनात जो मालिक मौत व हयात है, खालिक मौत व हयात है, उसने खुद सुनाया, उसने खुद ये फैसला सुनाया कि वो जिंदा है, बल्कि जिंदा है और कहीं पे फरमाता है कि वो रिस्क पा रहा है, वो रिस्क पा रहा है। तो एक आम शहीद इनकी मोहब्बत में मर जाए तो रिस्क पाता है, तो सोचिए कि इस मकाम सैयदुश्शहदा का क्या होगा। इसलिए हम इसके जरिए से इसके वसीले से मांगते हैं। ये तो अल्लाह ने पहचानवाया कि शहीद का मर्तबा क्या है और वो कैसे होता है, लेकिन लोगों के समझने पर है और उसके अल्लाह के अहकाम पर अमल करने पर है। अब मेरी गुफ्तगू चूँकि मैं मुकदमे के तौर पर यही अर्ज़ कर रहा था कि तमाम लोगों के दरमियान सुलह, क्योंकि तारीख के वाक़ियात है, ये सूरह फतह की आयत मैंने आप हजरात के दरमियान में अर्ज़ की कि 48वां सूरह है, 26वां पारा, और ये सूरह बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा फ्यूज़ात बरकत और नेमतें, और इसमें ऐसी ऐसी हिदायतें हैं कि ख़ुद ये पूरे मजालिस की जब ये टॉपिक बना है तो समझ सकते हैं कि आप इसमें कितने मतालिब और मफाहिम हैं।
हम देखें कि हालात के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसमें एक सलीका सिखलाया गया इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, रोशन रखने के लिए और इस्लाम के अहकाम से फ़ायदा उठाने के लिए। सिर्फ इस्लाम जज्बा ईमान का रोशन नहीं करता बल्कि अक़ल की सलाहियतों में भी इजाफा फरमाता है। इस्लाम इंसान की अक़ल को बुझाने का नाम नहीं है, अक़ल को रोशन करने का ज़रिया है। अफ़मन शरहुल्लाहु सदरहु अलल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बी। जो कोई इंसान इस्लाम के कबूलियत के लिए अपने आप को आमादा करता है तो सबसे पहला फैज़ ये है उसका सीना कुशादा कर दिया जाता है और अल्लाह एक नूर से अता फरमाता है। तो नूर का काम क्या है? ज़ुल्मत और तारीकी को हटाना, अपने और पराए को पहचानवाना, हक क्या है बातिल क्या है इसमें तमीज़ करना, ये नूर का काम है। तो फिर इस्लाम के हासिल करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो नूर मिलता है। अब यहाँ पर जो गलतफहमी होती है, इंसान अपने फैसले, अपने ख्यालात, अपने जज्बात को इस्लाम या दीन समझता है। नहीं नहीं, अल्लाह के बनाए हुए अहकामात का नाम दीन है, शरीयत है, इस्लाम है, हमारे जज्बात का नाम नहीं है। फिर इस्लाम में जहाँ पर इंसान के जज्बे हरारत ईमान को उरूज पर लाया गया वहीं पर उसूल बतलाए गए, उसूल बतलाए गए। तो अब यहाँ पर जो इस सूरे में तारीख़ वाक़िया है सूरे हुदैबिया का, कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें तारीख़ी वाक़ियात भी है, साइंस भी है और इसके अंदर कैसे रहना, कैसे बसर करना, कैसे ज़िंदगी गुजारना, माँ बाप के साथ कैसे रहना, गर्ज़ ये कि इंसान की खिलकत के पहले से लेकर मरने के बाद के सारी चीज़ों का इहाता किया हुआ है। कोई खुशकुतर ऐसा नहीं है जो कुरान में जमा नहीं कर दिया गया। इसके मतालिब ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अगर कोई शख्स इसके मतालिब लिखना चाहे तो ख़ुद कुरान में यह है कि समंदर स्याही बन जाए और तमाम अशजार कलम बन जाए, मतालिब लिखना शुरू करे, फिर उसके बाद एक समंदर नहीं और ऐसे सात समंदर भी स्याही बन जाए तो उसके मतालिब का इहाता नहीं हो सकता। तो एक ऐसी किताब है जिसपे हमारे उलमा बेशुमार काम किए हैं और काम कर रहे हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ कुरान पढ़ने की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसे धीरे धीरे जब जायका मालूम होगा कि तिलावत का क्या है, कुरान के देखने का क्या है, सुनने का क्या है, तो फिर उसकी तफसील में जाएगा जिसे तफसीर कहते हैं। जैसे तैसे तफसीर के मुतालिया करता चला जाएगा वैसे वैसे जहालत के पर्दे उसके अकल और निगाहों से उठते चले जाएंगे। अल अयाज़न बिल्ला, इन कुरान के चेहरे पर कोई निखार नहीं है, हम कुरान से वाबस्तगान के चेहरों पर निखाब है वो गुमराही के या जहालत के। तो तफसीर से फ़ायदा ये होता है कि वो पर्दा हटता चला जाता। अब इंसान इंसानी पैकर में रहते हुए वो मंजिल कमाल हासिल करता कि अब ये इंसान सफ़े मलाइका में मिल जाता या फिर आगे बढ़कर सफ़े अंबिया में मिल जाता। यहाँ तक इंसान के पहुँचने की गुंजाइश है। ये मैं इसीलिए तकरीबन हर मजलिस में दोहरा रहा हूँ ताकि मालूम हो कि आपकी हकीकत निगाह मौलाए कायनात में ये है कि फरमाते हैं कि ये छोटा सा इंसान आलम कायनात का खुलासा है। अगर चाहे इंसान तो सब कुछ हासिल कर सकता है, अगर एक महदूद हद तक अपने आप को महदूद कर ले, ये समझ ले कि सिर्फ काम कर लेना, घर में आना, बैठ जाना और वो उलूम मारिफ़ अहले बैत जो कुरान के मुतालिक है वो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं, तो फिर इंसान जैसे पैदा हुआ जैसे आम लोग रहते हैं फ़र्क नहीं है वो मुसलमान है या कोई गैर कौम का है, इसके पास वो फिरासत व हिकमत नहीं आएंगी जो कुरान पे इख्तियार करने वालों के लिए आ सकती है। तो यहाँ पर जो वाक़िया है सुलह हुदैबिया से मुतालिक है ये आयत मुबारक का। ये सुलह हुदैबिया इस्लाम में एक रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में वाक़ हुई और ये सुलह खुद बनफ्स नफीस
हज़रत की मर्ज़ी से वाकई हुई। अब सोचना चाहिए इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, या मौलाए कायनात का दीगर अहम मासूमीन का अमल हो या इरशाद हो, या रसूल अकरम का इरशाद हो या उनका अमल हो, या फिर अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह का इरशाद हो और उसकी वजाहत हो। तो रसूल अकरम ने जब ये काम किया है तो हमारे आपके लिए सबके लिए सोचने की ज़रूरत है, दावत है, फिक्र यही है कि हम उनके अमल में भी गौर फिक्र करें। उनका अमल, अगर आप उनके अमल को देखना चाहते हैं तफसील में जाके, तो उसी का दूसरा नाम कुरानी आयात हैं। अब उसमें शक नहीं करना, उसमें तरद्दुद नहीं करना, फिक्र नहीं करना। जहाँ से शक आया वहाँ से ईमान भी गया, और ये शक अगर इंसान का दिल से बढ़कर ज़बान तक आ गया तो दायरे इस्लाम से खारिज भी हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज भी हो गया। बसा औकात मैंने जैसे अर्ज़ किया, जब इंसान जिस तरह से हयात इंसान की अमानत इलाही है, बड़ी मुद्दत मुदीद तक दे दी जाती है, तो इंसान ये समझने लग जाता ये मेरी मिल्कियत है, हालांकि ये अल्लाह की मिल्कियत है, बतौर अमानत हमारे तफवीज़ की गई, इंसान को मुकम्मल इख्तियार दिया गया, हक़ मुकाबज़त है, लेकिन तसर्रुफ में इख्तियारात इंसान को नहीं है, पाबंद हुक्म इलाही है। लिहाजा अगर कोई चीज़ तसर्रुफ में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो इसीलिए अमानत में खियानत है, वो मूजिब गुनाह है, वो सबब बनता है गुनाह का, जिसकी पादाश में अल्लाह सज़ा देगा। तो इसी तरह से इस्लामी अहकाम हमारे तफवीज़ किए गए, ये अमानत है अल्लाह और उसके रसूल अहमे मासूमीन की, तो आप उनके मुताबिक इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी है, सवाब भी है। अगर अपनी मर्ज़ी को इस्लाम का नाम दे के इस्तेमाल करेंगे तो कहीं बिदत होंगी, कहीं कुफ्र होगा, कहीं शिर्क होगा, कहीं पर गुनाह का सबब बनेगा, ये इस्लाम नहीं कहलाएगा। इस्लाम के माने यही है कि अपने ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, बनाए हुए अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, ये तीन चीज़ों के मजमुए का नाम इस्लाम है। जहाँ पर इस्लाम के सारे अहकामात के हुदूद ख़त्म होते और उसके बाद इंसान मज़ीद तरक्की करता तो अब कहीं चल के दायरे ईमान में दाखिल होता, जहाँ हुदूद ईमान के ख़त्म होते अब उसके आगे इंसान जाना चाहता है तो तख्वे की मंजिल है, जहाँ हुदूद तख्वा ख़त्म होते और उसके भी आगे जाना चाहता है तो फिर इंसान के लिए मुकाम है तस्लीम का, फिर उसके हुदूद खत्म होकर और आगे जाना चाहता है तो उसका नाम है, वो मंजिल है रिजा इलाही, और उसके हुदूद खत्म हो और उसके आगे जाना चाहे तो फिर ये मुकाम है यकीन का, यकीन का। फिर इमाम फरमाते हैं कि यकीन से कम कोई चीज इंसान में तकसीम नहीं की गई, लेकिन क्या कहना हमारे नसीब का, हम वो साहिब यकीन के दामन से वाबस्ता है जिसका शान यकीन वो मंजिले मेराज पर था। लौ कुशिफल गिता लमज़दत यकीना, अगर सारे अकालीम के पर्दे हटा दिए जाए तो अली इब्ने अबी तालिब का ये इरशाद है कि मेरे यकीन में रमक बराबर इजाफा होने वाला नहीं है। तो वो सारे मनाजिल जो यकीन के थे, अब इतने मोमिन जो ऐसी शख्सियत से वाबस्ता है वो नाकिसुल यकीन नहीं हो सकता, लेकिन इसके आगे भी एक मंजिल है, वो लिखा अल्लाह की है। अब ऐसा अल्लाह से मुलाकात करने का शौक होना कि जो कुछ के भी हो इंसान पर गुजर जाए लेकिन दुनिया माफिया से बेखबर, और सिर्फ ज़बान पर अल्लाह की हम्द व सना हो, और करने वाला जुल्म इतना किया कि सजदा करने वाले को महसूस भी नहीं हुआ कि वो जुल्म क्या ढा दिया गया, लेकिन उसका असर जमीन पे हुआ तो जलजला आ गया, आसमान पे हुआ तो खून की बारिश हो गई, फिजाओं ने आवाज दी अला व अला कद कुतल हुसैन। ये मजलिस हुसैन है, ये इमाम हुसैन की ज़ात है, इतनी अरफाओं आला। सोचिए कि किस मकाम पर आका सैयद शोदा फायज हैं।
तो ये मनाजिल कष्ट के ज़रिए, रियाजत के ज़रिए, नफ्स के अंदर बालिदगी पैदा करने के बाद पैदा होते हैं। तो ये मजलिस इमाम हुसैन नफ्स में बालिदगी पैदा करने का ज़रिया बनती है, इंसान के कल्ब को रोशन करने का ज़रिया बनती है, अकल को रोशन करने का ज़रिया बनती है, और निगाहों में समाज में वो सलाहियत पैदा करती है कि पहचाने कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, बातिल क्या है, हक क्या है। तो इसका फैज, इसका फ़ायदा होना चाहिए। ये चीज़ें, ये कमालात हमारे वजूद में पैदा होना चाहिए। हमें उसकी चाशनी, हमें उसका जायका जब तक के ना मालूम हो, हम उसके करीब नहीं हो सकते। मादी चीज़ों से तो हम बड़े बाखबर हैं, बड़े बाखबर हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो 124,000 पैगंबरों के मुत्तहिदा वारिस हैं, तो अब मुसल आज़म ने यूँ ही नहीं कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है। ये नस्बत तो रसूलुल्लाह दिए इसलिए कि जब थे, अपने नवासे को अपने से नस्बत दिए, लेकिन फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, इसकी बलागत गौर करते चले जाइए कि मैं हुसैन से हूँ। ये लफ्ज़ मैंने रसूलुल्लाह के सारे तालीमात पे रहा है, यानी जो कुछ के भी उन्होंने पहुंचाया उसकी बका का इनसार हुसैन मज़लूम सैयद शुहदा की कुर्बानी पर है। तो जो मजलिस करने के लिए आए, तो इस हदीस को याद रखो कि ये उस मजलूम की हदीस है जिसके मुताले रसूल ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ। तो ये मजलिस हुसैन की है। इसका मकसद क्या है कि हुसैन किस चीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान किए, उस हमतन इंसान के जहन में रहे, तो फिर अब जाकिर की बात भी समझ में आएगी, हमारा मकसद जीने का भी समझ में आएगा, ज़िंदगी गुजारने का भी समझ में आएगा, मुआशरा भी समझ में आएगा कि इस्लामी क्या है, कुरान भी समझ में आएगी, फिर उसके बाद नहजुल बलागा भी समझ में आएंगी, अहम मासूमीन के इरशादात भी समझ में, ये सारे के सारे उनके रूहानी फ़ज़ाइल है, रूहानी फसाल है। मादी हद तक जिसमें हमें सुनने अच्छा लगता है हम सुन लें, वो फरमान जो मौला का सुनना हमें अच्छा लगता है हम सुन लें, लेकिन वो फरमान जो हमें अच्छा नहीं लगता वो मौला का फरमान ना सुने, ये कोई ईमान की दलील है? ये कामिलुल ईमान होने की दलील है? हरगिज़ नहीं हो सकती। हमारी मर्ज़ी जब तक मौला की मर्ज़ी के ताबे ना हो जाए, ताबे करना होगा। इसमें फ़ायदा है दुनिया का भी आखिरत का भी, इसमें फ़ायदा है दुनिया का, क्योंकि मौलाए कायनात का कोई फरमान ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल दुनिया से बिछड़ा के हटा के आप कुछ मत करिए, ना शादी कीजिए, ना आपके पास बच्चे होना चाहिए, ना मकान होना चाहिए, ना जायदाद होना चाहिए। नहीं नहीं, मौला के फरामीन तो वो सलीका सिखलाते हैं। हमारी फिक्र कहाँ तक है कि हम तलाश करें जाके बाज़ार में कि हलाल गोश्त खाना चाहिए, खुसूसन वो मकामात जहाँ पर यूरोप वगैरह में हलाल गोश्त मिलना मुश्किल होता या दूसरे बस्तियाँ। तो हमारी फिक्र यहाँ तक तो आई कि हलाल गोश्त खाना चाहिए, लेकिन पलट कर सोचो कि जो पैसे से हम ख़रीद रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। ये फिक्र अली इब्न अबी तालिब के मसाइल देते, उनके तालीमात देते कि आपका जो पैसा है आया वो पैसा हलाल है या नहीं है। आप मजलिस तो कर रहे हैं, तबरुक तो तकसीम कर रहे हैं, लेकिन कबूल उसी वक्त है, कोई भी अमल हो उसी वक्त कबूल है कि कुरान की आयत वाज़ह है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों में से उनके आमाल कबूल करता है। कोई भी अमल में अगर तख्वा नहीं है तो वो अमल रद्द कर दिया जाता, काबिल कबूल नहीं है। अब क्वांटिटी नहीं देख सकी जाती कि आप मजलिस में शोदाल बांट रहे हैं या बिरयानी के पैकेट बांट रहे हैं। अगर ये शौदाल हलाल पैसे के ज़रिए से कमाई हुई है और इमाम हुसैन के नाम पर दी जा रही है तो अल्लाह बग़ैर हिसाब उसका सवाब देगा। अगर बिरयानी नाजायज़ पैसे से बांटी हुई है तो हरगिज़ हरगिज़ जब कबूल ही नहीं है तो सवाब के मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि अगर किसी मोमिन को नाजायज़ पैसे से ख़रीदी हुई चीज़ देंगे तो वो देने का भी अजाब है, नाजायज़ चीज़ कमाने का भी अजाब है, दोहरा गुना होगा। ये दीन, ये अहकामात मौलाए कायनात के, यही अहकामात रसूल अकरम के, यही अहकामात इमाम हसन मुश्तबा के हैं, यही अहकामात इमाम ज़माना के, यही अहकामात कुरान के। आप बताइए ऐसा दीन, देखिए ये बहुत
बहुत ज़्यादा असअब है उन लोगों के लिए जो लोग बचपन से इस मुआशरे में तरबियत और तालीम ना पाए। चलता है आपका अपना अमल है, लेकिन जब जसारत इंसान की बढ़ती है तो ये चीज़ों को नहीं देखता, वो कहता है कि नहीं मेरे लिए सब चीज़ जायज़ है। नहीं है अजीज़ाने किराना गिरानी। तो अब यहाँ पर देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बारिशात फरमाते हैं, हज़रत अनस से काफ़ी रिवायतें, ऐसे रावी हैं जो सहाबी रसूल हैं जो हमें अहादीस की किताबों में मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर उलमाए मुफस्सरीन की राय मुत्तहिद है कि ये रिवायत जो इन्होंने बयान किया, इनसे रिवायत ये है कि हम रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबकि आपने ऐलान किया था कि तमाम खलियों में बादिया नशीन में मुजाफात में ऐलान कर दिया जाए कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, तो लोग जुग दर जुग जमा हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मक्के तशरीफ ले जा रहे हैं और उम्रा फरमाने वाले हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या सआदत हो सकती है कि हम आपकी माहियत में आपके साथ हमरा उम्रे के लिए खुद जाए। तकरीबन 1400 अफराद पर मुश्तमिल मुसलमान जमा हो गए थे रसूलुल्लाह के साथ, तारीख में मिलता है कि 1400। अब यहाँ से आप उस मकाम तक गए जिसका नाम था हुदैबिया, हुदैबिया एक मकाम का नाम है और उसी नाम से मौसूम हुई ये सुलह, सुलह हुदैबिया के नाम से, जो मुशरिकीन मक्का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरमियान में वाक़ हुई। इसके पहले आपके अज़हान मुतवज्जे हैं, आपके इल्म में है कि जंगे इस्लामी हो चुकी थी, 2 हिजरी में जंगे बदर हुई थी और फिर उसके बाद जंगे उहद भी हो चुकी थी और उसके बाद जंगे खैबर भी अभी अभी हुई थी, उसके बाद ये आयत नाजिल हुई उसके बाद। लेकिन ये आयत का शान नुज़ूल उसके मुतालिक जो मुख्तलिफ़ उलमा के तहक़ीक़ात हैं और उन्होंने जो राय अपनी ज़ाहिर की, वो उस राय का दोहराने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि रसूल अकरम वहाँ पर तशरीफ ले गए और लेके जाने के बाद अफसान नामी असफान नामी एक शख्स था, उसने आके तला दी कि हरगिज़ हरगिज़ आप लोग मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ पे पहराबंदी हैं, सारे मुशरिकीन मुतहदा तौर पर मीटिंग करके ये बात तय की है कि हम मुसलमानों को काबे में दाखिला नहीं देंगे, काबे में एंट्री नहीं देंगे। देखिए ये इस्लामी तारीख है, हिस्ट्री है, इस्लाम अभी अभी शुरू हुआ था, बहुत ही कम अरसा था, बहुत ही कम अरसा हुआ था जो अलल नाम सन 1 हिजरी, ये सन 5 हिजरी 6 हिजरी का वाक़या है, सन 6 हिजरी का वाक़या है। अब यहाँ पर यानी हिजरत के सिर्फ 6 साल, उसमें जंगामी हो गई थी, जंग हो रही थी, नुकसान हो रहा था, यहाँ तक के रसूल अकरम के हाथ में बुलंद हुई थी दुआ के लिए, जब मौलाए कायनात खुद खैबर के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो परवरदिगार मेरे पास अब मेरा कोई और नासिर नहीं है, हमजा भी शहीद हो गए, दीगर जान निसार भी ख़त्म हो गए, लिहाजा तू इसे न सिर्फ अपने अमान में रखना महफूज करना बल्कि इसके हाथों पे फतेह भी इनायत फरमाना, क्योंकि इस्लाम खुसूसन जंगे जो बदर थी वो इतनी ज़्यादा हसास थी, अगर इसमें इस्लाम को शिकस्त हो जाती तो फिर इस्लाम के आगे बढ़ने के कोई इम्कान नहीं थे, लोग बहुत थोड़े थे। तो परवरदिगार आलम उनके नियतों की बुनियाद पर 5000 मलाइका की नुसरत भी फरमाई थी एक एक शख्स के साथ, तो ये कुरान में सब मौजूद है। तो अब यहाँ पर जब आप तशरीफ लाए 1400 थे, 313 बदर में थे, अब यहाँ पर 1400 बहुत बड़ी तादाद है, 313 को देखिए और 1400 को देखिए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाने लगे तो वहाँ पर रोक दिए गए, रोकने के बाद चूँकि ये लोग पूरे अपने अपने जानवरों के साथ गए थे, ऊँटों के साथ गए थे, पूरे इरादे से गए थे उम्रे के लिए, वहाँ पर रोक दिया गया। तकरीबन 20 किलोमीटर
मक्के के इंटर होने से पहले एक मकाम हुदैबिया, वहाँ पर एक कुआं था उसका नाम बताया जाता, या फिर शजर था उसका नाम बताया जाता, जो कुछ के भी हो वहाँ रोक दिए गए। और रोकने के बाद ये कहला भेजे कि आप लोग नहीं जा सकते। ये सूरह, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, फतह की पहली आयत है, इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना। यहाँ पर अल्लाह के जानिब से ये जो आयत नाजिल हुई, जब ये मुसलमान जाना चाहते थे और वो लोग रोक दिए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से किसी को भेजा कि वो पैगाम लेके जाए कि हम तुमसे जंग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ सुलह करें और हम उमरा कर लेंगे, किसी से कोई हमें सरोकार नहीं है, उमरा करने के बाद हम अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे और वहाँ से निकल के चले जाएंगे। ताकि हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर जब आप लोग वापस हो रहे थे, तो परवरदिगार आलम की जानिब से ये बशारत दी गई कि इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, हमने आपके लिए वाज़े और रोशन फतेह आपके तकदीर में लिखी है, हमने अता की आपको वाज़े। तो अब मुसलमानों के समझ में नहीं आ रहा था कि रसूलुल्लाह एक खुशखबरी दे रहे हैं कि हमने आपको वाज़े फतेह इनायत की, जबकि यहाँ फतेह कहाँ से हुई, ना मक्के में दाखिल हुए, ना हमारे जानवर कुर्बानी दिए गए, ना हम उम्रा किए, ये तो सरतापा नुकसान है। और रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि अभी अभी जिब्राइल आए थे, ये आयत नाजिल करके गए, और इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि सारी दुनिया की दौलत भी अगर मिलती तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती। ये अल्लाह के हबीब के अल्फाज हैं। तो अब लोग रसूलुल्लाह की बात को सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फतेह है, लेकिन अमली तौर पे देख रहे हैं कि ये तो पस्ती हो गई, शिकस्त हो गई, वापस जा रहे हैं हम, वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े लोगों को शक हुआ, यहाँ तक के बास रिवायत में मिलता है कि ख़ुद खलीफ़े दूम ने कहा, जितना रसूल की रिसालत पर आज मुझे शक हुआ, इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये तारीख़ जुमले है, आप देख सकते हैं। तो अब आप देखिए, एक जज्बा है इस्लाम का, मुसलमानों का, रसूलुल्लाह के साथ हैं, जाना चाहते हैं, पूरे तौर पे हमवार हैं, अल्लाह की इबादत का तारुफ हमके उन्हें मिल चुका है, मारिफत हो चुकी है, दीन से वाकिफ़ हो चुके हैं, इस्लामी तालीमा से वाकिफ़ हो चुके हैं, खाने काबा की अजमत से वाकिफ़ हो चुके हैं, उम्र की इबादत कितनी अजमत रखती उससे वाकिफ़ हो चुके हैं, अपना माल, अपनी सब कुछ चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आए हैं, जानवर भी लेके आए। तो अब इनको इंतहाई गम व अंदो था, शदीद सदमा था, ऐसे में ही आयत नाज़िल हुई। अभी आगे आप देखेंगे कि इसके बाद और क्या क्या वाक़ियात से रसूलुल्लाह को गुजरना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के हबीब ने लोगों को तसल्ली दी, कहा कि ठीक है, आप हम सब मिलके यहाँ पे ठहरते हैं। और फिर उसके बाद अब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जे सहाबी को भेजा था, जिनको भेजा था गुफ्तगू करने के लिए, वहाँ ठहर गए। फिर उसके बाद जब लोग नादान थे तो कहा कि देखो, हालात जब बदल गए तो अब हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, हम एहराम में हैं बेशक, लेकिन अब यहाँ पर एहराम खोलो, अपने जानवरों को कुर्बानी दियो और एहराम से आप बाहर हो जाओ। उसमें भी लोगों को शक होने लगा, पहले रसूलुल्लाह की वो बात पे कि हमने फतेह दे दी, फिर उसके बाद उमरा नहीं किए, फिर उसके बाद हुक्म बदल रहा है कि अब आप खोल दो। देखिए, जब इंसान रसूल को मानता है तो मानना ज़बान से नहीं है, इताअत के ज़रिए है। रसूलुल्लाह ने कह दिया कि तुम यहाँ पर अब कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर दो, एहराम से बाहर आ जाओ, तो ये बाहर आने ज़िबा करने का नाम ही शरीयत है। हमारी आपकी ये फ़िक्र यहाँ पर अमल दखल नहीं कर सकती। तो रसूलुल्लाह के ज़माने में भी रसूल के अहकाम से वाकिफ़ होने के बाद रसूलुल्लाह ने जैसे ही वो अहकाम के ख़िलाफ़ किया तो रसूल की ज़ात पे शक हुआ। ज़ाहिरन वो ख़िलाफ़ था, बातिनन वही दीन था, वही शरीयत था। तो मारिफत तो हुई थी, लेकिन ऐसी मारिफत नहीं हुई थी जैसे कि मारिफत होना चाहिए। सलवात पढ़ दीजिए अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इसके जो पहलू
बतलाए गए वो उसमें से दो तीन मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा। एक और सलवात पढ़ दीजिए अल्लाह मोहम्मद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये हुक्म दिए, बाज़ लोग इससे मुत्तफिक थे, बाज़ लोग इससे नाराज़ थे। बाज़ लोग मुत्तफिक थे भी तो वो सदमा था उनके पास कि हम तो उम्र से महरूम रह गए। और यहाँ पर जो एक और सलवात पढ़ दीजिए अल्लाह सूरह फतह जैसे नाज़िल हुआ, आपने कहा कि सारी दुनिया की दौलत मिलती तो उतना ज़्यादा खुशी नहीं होती जितना कि मुझे खुशी हुई इस आयत के नाज़िल होने से। अब इसके बाद फरमाते हैं कि देखो, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो सवाब हासिल करे रसूल अकरम के अस्हाब की तरह जो रसूलुल्लाह के साथ आपकी माइयत में उम्रा करने के लिए गए और सुलह हुदैबिया में शरीक थे, तुम चाहते हैं तो सूरह इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना यानी सूरह फतह की तिलावत किया करो। फ़ायदा क्या है उससे? ये फ़ायदा है कि तुम्हें भी वो अजर मिलेगा, वही सवाब मिलेगा तुम चाहते हैं जो रसूलुल्लाह के साथ जो असहाब थे उन्हें फ़ायदा पहुंचा। तुम्हें भी अगर फ़ायदा पहुंचना है, तुम्हें भी वही सवाब मिलना है जो सुलह हुदैबिया के वक्त जो असहाब रसूलुल्लाह के मातहती में गए थे वही तुम्हें मिलेगा अगर तुम ये सूरे की तिलावत करेंगे। उसके बाद फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि वो मकाम हासिल करो जो रसूलुल्लाह के हाथ पर लोगों ने तजदीद अहद किया था, बैत किया था उस शजर के नीचे जिस शजर में के नीचे रसूलुल्लाह ने बैत रिजवान के नाम से लोगों से अपने असाब से लिया था ताकि मज़ीद मुतअक्किद करें कि आया ये ईमान पर बाकी है या ईमान से खारिज हो गए, मुतज़लज़ल तो नहीं हो गए। लिहाजा तुम चाहते हैं कि उस बैत का भी तुम सवाब हासिल करें तो तुम सूरह फतह की तिलावत करो, तुम्हें वही सवाब मिलता रहेगा। फिर तीसरी मंजिल ये बतलाए जो छठे इमाम से रिवायत है, अगर कोई शख्स चाहता है कि अपने माल अपने माल और अपनी जौजा और अपनी मिल्कियत की हिफाजत करे तो वो सूरह फतह की रोज़ तिलावत करे, उसे यही सवाब मिलेगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, अपने माल की हिफाजत भी, अपनी जान की हिफाजत भी, अपने अहले खाना की भी हिफाजत और अपनी जायदाद और मिल्कियत की भी हिफाजत, ये सारे के सारे तुम्हें मिलेंगे अगर सूरह फतह की तुम तिलावत करेंगे। तो ये सिर्फ तिलावत ही ज़रिया नहीं है, इस तिलावत के साथ साथ क्या चीज़ है जो ज़रिया है कि तिलावत का लाजिमा ये है कि जो चीज़ पढ़ी जा रही है अव्वलन उसमें गौर करना, सानियन उसमें फ़िक्र करना, सालिसन उसके ऊपर अमल करना, गौर करना, फ़िक्र करना, उस पर अमल करना, और ये इन चीज़ों से इंसान का दिमाग भी रोशन होगा। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि वो आयतों के मुताबिक अपने ज़िंदगी के बरनामज को ढाल लेना, अपने जो ज़िंदगी का प्रोग्राम है उठने का, बैठने का, रहने का, ज़िंदगी गुजारने का, उन आयात के मुताबिक अगर आप ढालेंगे तो ये तिलावत का फ़ायदा होगा, अगर नहीं ढालेंगे तो सिर्फ तिलावत तिलावत की हद तक रह जाएगी। सलवात पढ़िए अल्लाह मोहम्मद। इसी तरह से मुतलिब रावी ने कहा कि नहीं, ये इन्ना फतहना लका फतह मुबीना थे नाजिल हुई आयत, ये सूरह हुदैबिया से है। बहुत सारे मौरखों ने कहा, बाज़ ने कहा कि नहीं ये फतेह मक्का से मुतालिक है, बाज़ लोगों ने कहा कि सूरह हुदैबिया से नहीं फतेह मक्का से नहीं, ये भी हो सकता है कि ये फतेह खैबर से मुतालिक है, बाज़ लोगों ने कहा कि ये फतेह खैबर से मुतालिक नहीं बल्कि ये हो सकता है कि ये जो
रसूलुल्लाह को परवरदिगार आलम ने मौजज़ात दिए थे और वो मौजज़ात का आलमगीर मुशाहदा हुआ था जिससे लोग मुतासिर हुए इस्लाम में दाखिल होने के लिए, उससे मुतालिक है। बाद लोगों ने कहा कि नहीं, बल्कि ये कि अल्लाह ने उस रोज़ हज़रत पर असरार उलूम को अफशा किया जिसकी वजह से ये आयत नाजिल हुई। तो इस तरीके से मुख्तलिफ राय लोगों की बढ़ती रही, लेकिन जो गालिब राय है मुफस्सिरीन ने इत्तेफाक किया है वो यही है कि वो सुलह हुदैबिया की वजह से हुई थी। अब वो सुलह क्या थी आगे हम देखेंगे, हुदैबिया का मकाम क्या था आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक तो मालूम हो गया कि इस्लाम की पहली सुरो जो रसूलुल्लाह बनफ़्से नफीस किए वो एक मोमिन दूसरे मोमिन के दरमियान में, कल मैंने गुफ्तगू की सुलह कराना सवाब है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को मिलाना सवाब है, एक इंसान दूसरे इंसान को मिलाना सवाब है, फिर उसके बाद तो मोमिन के लिए तो और ज़्यादा दर्जा है। फिर यहाँ तक के बताया गया कि अगर ये सुलह कराने में अगर इमाम का माल, इमाम फरमाते मेरे माल से भी अगर होता है और दो मोमिन के दरमियान सुलह कराना मुमकिन है तो तुम सुलह कराओ, इसका सवाब है। फिर इसके बाद ये भी फरमाया कि देखो तुम ऐसी गुफ्तगू नहीं करना कि सुलह के लिए ये शरायत है, मोमिन को मोमिन मिलाने के लिए ये शरायत है। कभी कभी इंसान का सच बोलना भी हराम हो जाता है जहाँ पर दो मोमिन के दरमियान में फिसाद बर्पा होने का इहतमाल होता है, कहीं कहीं झूठ बोलना भी जायज़ हो जाता है जहाँ पर दो मोमिन को मिलाने में आपकी गुफ्तगू मुआमिल और मददगार साबित हो जाती है। और सुलह कराने के लिए ऐसी चीज़ है कि कभी इंसान ये ना कहे कि मैंने कसम खा लिया इसलिए सुलह नहीं करवा सकता, तो ये कसम का खाना जायज़ नहीं है, सुलह का करवाना वाजिब है। कसम का खाना जायज़ नहीं है, सुलह का करवाना वाजिब है। तो ये हसासियत है इस्लामी अहकामात के दरमियान में। अगर कोई सुलह तुम फरमाते रसूलल्लाह कि तुम देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि ये सुलह के क्या फवायद हैं, तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इसका दर्जा और मरतबा क्या है, तो ये नमाज़ों से अफजल है, ये रोज़ों से अव्वल है, ये सदक़ात से अफजल है, ये सदक़ात से अफजल है, ये सदक़ात से भी अफजल है, रोज़ों से भी अफजल है, नमाज़ों से भी अफजल है। नमाज पढ़ने के बाद इंसान में जो सिफत पैदा होती वो अल्लाह का मुती होता, रसूल का मुती होता, अइम्मा का मुती होता। मुती यानी जो उन्होंने कहा उसे लपक कर बला ताखीर अमल करने में सबकत करता, बिला ताखीर अमल करने में सबकत करता कि मैं सबसे पहले अमल कर लूँ ताकि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, सबसे ज़्यादा अजर मिल जाए, सबसे ज़्यादा मुझे उससे फ़ायदा हासिल हो, तो उन्हें वो ज़्यादा इस तरह मुतवज्जे हो जाता। तो यहाँ पर सदक़े से ज़्यादा सदक़ा दिए तो क्या खैर है, बलाएँ टलती हैं, खैर है तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद अगर अमल करने में इताअत करने में पीछे रह जाए तो फिर ये सदक़े से सदका बेकार हो गया। अगर इताअत का जज्बा पैदा हो गया तो ये सदका का अमल है। नमाज पढ़ने के बाद अगर इताअत का जज्बा है, नहीं सिर्फ पढ़ ले रहा है, एक रूटीन है, आदत है, पैदा नहीं है, पैदा नहीं है, इताअत के साथ नमाज पढ़ता है तो उसका जो फ़ायदा है ख़ुद इंसान के वजूद पे नज़र आना चाहिए। सबसे अदना चीज़ ये है कि फहश और बेहुदा चीज़ों से परहेज करता, दूर हो जाता नमाजी को, नमाज फहश और बेहुदा चीज़ों से रोकती है। अगर नमाजी में ये सिफत पैदा हो रही है तो वह नमाजी है, उसकी नमाज भी कबूल है। अगर ये सिफत नहीं पैदा हो रही है तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं है और ये नमाज बेकार है, ऐसी नमाज बेकार है। खुद अल्लाह फरमाता है कि वो नमाजियों पर हैफ है, हैफ है, वो उनके मुँह पर फेंक दिए जाएंगे जो नमाज तो पढ़े लेकिन बग़ैर उसकी मारिफत के। एक रूटीन है, प्रैक्टिस है, आ गया पढ़ लिया, नहीं सोचे कि तुम कहाँ जा रहे हैं। जितनी मरतबे तुम अपने क्लास को अटेंड करते चले जाएंगे तो लेक्चरर का लेक्चर आपके लिए कारामद होगा, और लेक्चरर यहाँ पर कोई और नहीं अल्लाह की ज़ात है, और वो लेक्चर कुरानी आयात की शक्ल में है तो इससे बेहतर मुस्तरद कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह फरमा रहा है इन्नस सलात तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर, ये रोज़े भी
अगर अफादियत है, अपनी रूह पे असर हो रहा है, अपने किरदार पे असर हो रहा है, अपने अखलाक पे असर हो रहा है, पहले बद अखलाक थे अब अखलाकियात आ गए, पहले बद किरदार थे अब किरदार पैदा हो गया, इस्तेहामत आ गई, पहले बेअमल थे अब अमल करने लग गए, पहले बीवी बच्चों का अर्जुमा फराम नहीं करते थे अब करने लग गए, पहले बच्चों की तरबियत नहीं देते थे अब तरबियत देने लग गए, पहले पड़ोसियों के साथ बदमिजाजी करते थे अब अच्छी मिजाज से पेश आने लग गए। अगर ये हमगीर फ़ायदे हासिल हो रहे हैं तो समझ जाइए कि हमारी वाबस्तगी अहले बैत से भी है, उनके अहकाम से भी है, उनके अहकाम से भी ये होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? गैर अख्वाम में तो हो रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये है, इसको टटोल लेने, देख लेने की खुद हमें ज़रूरत है। बस अज़ीज़ान इमाम, गुफ्तगू को तमाम किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुख्सती है, सैयद शुहदा ने अज़्म कर लिया है मुकम्मल कि वो बहरहाल सफ़र करेंगे, क़ियाम करेंगे। इन्हीं में से मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आखा को रोकने वालों में बास अपने भी थे, बास पराए भी थे, बास असाब भी थे, और ये जानते थे कि इमाम हुसैन की अज़मत क्या है। रूए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस हस्ती शख्सियत आखा सैयद शुहदा सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, और ऐसे में 7 बच्चों का है, बीबियाँ भी हैं, और वो चाहते हैं कि मदीना छोड़ दें और मदीने से निकलना चाहते हैं। ऐसे हालात, हंगामी, और रुकने वालों में आपके भाई मोहम्मद हनफिया भी थे, मौलाए कायनात के एक और फर्जंद थे उमर अतराफ, और इसके साथ साथ मौलाए कायनात की जद्द माजदा उम्मे सलमा, इनके साथ साथ जैसे ही यजीद का नामा आया था वलीद इब्न उकबा के नाम, हाकिम मदीना के नाम, के इमाम हुसैन से, अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से बैत ले ली जाए, अगर बैत ना करें तो इन्हें ना छोड़ा जाए। तो यहाँ तक के मरवान ने तो ये मशवरा भी दिया था वलीद के लिए कि इमाम हुसैन से अगर बैत अब नहीं ले ली गई तो खून के नदियाँ बह जाएंगे, लेकिन हुसैन ऐसा गयूर इमाम है कि वह हरगिज़ बैत नहीं करेगा। इमाम आली मकाम इनकार किए इन कलिमात के ज़रिए कि मैं अगर यजीद जैसे फासिक और फाजिर के हाथ पर बैत करूँ तो फिर इस्लाम का अल्लाह ही हाफिज़ ख़ातिमा है। इमाम अलैहिस्सलाम बेहतर जानते हैं मसलहत इमाम क्या है, मसलहत शरीयत क्या है, तकाज़ाए शरीयत क्या है। इमाम ने उसी के मुताबिक अमल किया, अपने भरे घर को क़ुरबान करना गवारा किया, इस्लाम को ज़िंदा रखना, इस्लामी तालीमात को ज़िंदा रखना ये लाजमी था, और ये मनसब इमामत का तकाज़ा भी था। इमाम आली मकाम जब चलने लगे तो किसी भी गैर मारूफ रास्तों से इमाम के पहले खलीफा ज़ादे अब्दुल्ला इब्ने उमर वहाँ मौजूद थे। बड़ा तफसीली वाक़िया है, वो तो अर्ज़ नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहलवा देना, उनके मुँह से जो चीज़ हक थी उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान से इजहार किया। इनके बड़े रिवायतें भी हैं, अहादीस में रिवायतें नकल भी किए गए हैं, और उर्फ आम में लोगों के दरमियान में बड़े ही दीनदार भी थे, और लोग उनकी दीनदारी का इकरार भी करते थे, लेकिन वो कभी भी जब दीन पर या शरीयत पर ऐसी वक्त आया वो दीन का तो साथ देते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन ये अमल ज़रूर था कि जब मक्के में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इन्हें भी ये एहसास हुआ कि फ़र्ज़ंद रसूल आए हैं, क्यों ना मैं इनसे मुलाकात करूँ। वहाँ पर आए और आखा इमाम हुसैन को जो पहला मशवरा दिया वो यही था कि आप सफ़र पे जा रहे हैं, दूसरी जानिब यजीद है, यजीद की ये कर्रो फर रखने वाली फ़ौज है, इतना कसीर इज्तिहाम है, हथियार है, फिर आपके साथ बच्चों का साथ है, तो यकीनन ये एहतमाल कवी है कि आप उसका मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे, बल्कि ऐसा ना हो मुझे रसूलल्लाह की आपके जद की हदीस मैंने अपने कानों से सुना है कि देखो जब मेरा हुसैन नुसरत के लिए किसी से भी तलब नुसरत करे
तो उसकी नुसरत की जाए, वरना वो दुनिया में जलील व ख़ार होगा। और ये भी बताया था कि हुसैन उस वक्त नुसरत तलब करेगा जबकि दीन पे बुरा वक्त होगा। और हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा रेगिस्तान में मिस्र गोश्त क़ुरबानी ज़िबा कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो फ़ज़लत रसूल आपके ये सफ़र का अंजाम आपके कत्ल पर मुंतही हो। आपने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि मेरे जद ने ये फरमाया और मेरे बाबा ने भी यही फरमाया और मेरे भाई ने भी फरमाया, यहाँ तक कि मेरे बाबा ने इसकी भी पेशेंगोई की थी कि हुसैन तुम्हारी और मेरी मज़ार करीब करीब होगी। तो ये सारी बातें थीं। उसके बाद उन्होंने कहा जब देख लिया कि इमाम हुसैन मुसम्मम इरादा किए हुए हैं किसी भी सूरत से ये मशवरा कबूल नहीं करेंगे, तो कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल क्या ये मुमकिन है कि आप अपना लिबास आपकी अबा हटाएं ताकि मैं उस मकाम पर बोसा लूँ जहाँ पर रसूलल्लाह बोसा लिया करते थे। रसूलल्लाह का मकाम बोसे का मुकदम था, लेकिन इमाम हुसैन की ज़ात फिर जबकि ये भी जानते थे कि हुसैन का साथ नहीं देने वाले जलील व ख़ार होंगे, ये भी जानते थे कि यही वो हुसैन है जिसको रसूल ने ज़बान चुसा के परवरिश की है। अब जो हुसैन के जिस्म में खून है वो रसूलल्लाह का खून है, जो हुसैन का जिस्म है वो रसूलल्लाह का जिस्म है, जो हुसैन का गोश्त है वो रसूलल्लाह का गोश्त है। लेकिन फिर भी कहा कि मैंने आपको अल्लाह के हवाले किया, ये कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इसी में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मना करने वाले या फिर रोकने वालों में थे वो आपकी जद्द माजिदा रसूलल्लाह की ज़ौजे मुतहरा जिसको इमाम आली मकाम अम्मा के नाम से मुखातिब करते थे, अम्मा जान कहते थे। वो एक मरतबे पैगाम पहुंचा कि हुसैन को रोका जाए, मैं हुसैन से मुलाकात करना चाहती हूँ। खुद वो बनफसे नफीस इमाम आली मकाम के पास तशरीफ लाए। एक मरतबे कहा पहला जुमला कि ऐ मेरे बेटा हुसैन तू मुझे गमजदा नहीं करना, तू जाना चाहता है जा, लेकिन इराक की समत नहीं जाना, क्योंकि मैंने तुम्हारे जद रसूलल्लाह से सुना है कि मेरा हुसैन सरजमीन करबला पर इराक में 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा, और बतौर अलामत वहाँ की खाक रसूलल्लाह ने मुझे दी जो मैं इस शीशे में महफूज रखी हूँ। ये भी कहा कि जब ये खाक खून से बदल जाए तो समझ जाना कि अब हुसैन इस दुनिया में नहीं रहा। आज़ादारा नेमा में मजलूम करबला दूसरी मुहर्रम है। उम्मे सलमा की ये रिवायत देखें, इमाम हुसैन का सफ़र सारा मंजर आपकी निगाहों में है। हुसैन वो बहादुर और शजा का नाम है, अल्लाह ने बड़ी कुदरत दी थी, सारे अम्बिया का मुत्तहिदा वारिस है। एक मरतबे ये रिवायत की मज़ीद तस्दीक होती है कि ये बेआइने ही मुस्तनद तरीन रिवायत है, हमारे उलमा ने लिखा है, अल्लामा मजलिसी ने इसके आगे भी बयान किया है। वो ये कहते हैं कि जैसे उम्मे सलमा ने कहा कि बेटा ये खाक है रसूलल्लाह ने दी और तू अगर करबला की तरफ जा रहा है इराक की तरफ तो मत जाना, इसलिए कि ये हदीस तुम्हारे जद ने कही है तो फिर ऐसा ही होगा और मुझे बड़ा रंज होगा, इसीलिए रोक रही थी कि बड़ा दुख होगा कि तुम उस सब पे जाओ जहाँ पर कोई तुम्हारा यारो मददगार ना हो और आलम गुरबत में तुम ज़िबाह कर दिए जाओ। लिहाजा एक मरतबे इमाम आली मकाम ने कहा कि अम्मा जान मैं जानता हूँ और पूरी आमादगी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह की मशीयत यही है कि हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा अपने खून में लोटता हुआ देखे, मेरी औलाद को खून में गिरता देखे, मेरी नामोस को रसन बस्ता बेकजावा ऊँटों पर बेमखनाओ चादर दयार पर दयार बाजार पर बाजार फिरता हुआ देखे। जब अल्लाह की जब ये मशीयत है और मैंने इसको कबूल किया है तो मैं तो वहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो मकाम की ज़ियारत करें तो मैं आपको वो ज़ियारत भी करवा सकता हूँ। ये उलिल अज़्म ये
जो ज़रूए ज़मीन पर होते हैं वो उलिल अम्र का हुक्म था। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया, एक मरतबे ज़मीन करबला उभर गई, इतनी करीब थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी खाक अपने हाथ में लिए, कहा कि मुसलमान से कि अम्मा जान इस खाक को भी आज इस खाक में मिला लीजिए, ये वही मुकाम की खाक है जहाँ पर मैं ज़िबह किया जाऊँगा। अब एक एक मुकाम की ज़ियारत करवाते चले गए कि यहाँ पर अली अकबर शहीद होंगे, बच्ची का है, यहाँ पर खासिम का लाशा पामाल होगा, यहाँ पर औरों मोहम्मद घोड़े से नीचे घायल होकर आएंगे, यहाँ पर मेरा शेषमारा अली असगर। एक मकाम की एक एक मकाम की जियारत करवाते करवाते एक नशेब की समत इमाम हुसैन ने इशारा किया, हम इसके के कुछ फरमाते, उम्मे सलमा ने मुंह पर हाथ रख दिया, कहा गए मेरे बेटा हुसैन मैं जानती हूँ यही वो तेरा मकाम है जहाँ पर तू तीन दिन का भूखा प्यासा बिस्मिल्लाह गोसंदे कुर्बानी जिबाह कर दिया जाएगा।